टीकमगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवीन साहू ने रविवार के दिन स्थानीय एक होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस के नेता अनिल बड़कुल सहित अन्य कांग्रेसी एवं सभी प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन साहू ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री दादा यादवेंद्र सिंह के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वह गलत तरीके से और प्रशासन के दबाव में लगाई गई है एवं कांग्रेस के साथ जो किया गया है उसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आगामी समय में अगर कांग्रेस को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा और न्याय लेकर रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता और भाजपा सरकार जिस तरीके से चुनाव में उतरी है वह बूथ कैप्चरिंग और तमाम हथकड़े के साथ चुनाव जीतना चाहती है। सत्ता का मद और कुर्सी का दुरुपयोग कर चुनाव लड़ रही है। इस प्रकार के तमाम आरोप कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन साहू ने भाजपा नेताओं पर भाजपा सरकार पर लगाए। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। उन्होंने भी इस पर बयान दिया, आदरणीय हमारे कुणाल चौधरी जी उन्होंने भी इस पर बयान दिया और यह टीकमगढ़ का घटनाक्रम समूचे प्रदेश में ये बता रहा है कि जिस प्रकार से सत्ता में ये लोग जो जो कुछ भी गलत कर सकते हैं वो सब सारा गलत कर रहे हैं और इसका उदाहरण आप देखिए। इसके अलावा भी ऐसे घटनाक्रम हुए हैं कि जिन पर आप सबको चिंता करना चाहिए। आज आप सत्ता में हो अगर या भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में है तो टीकमगढ़ जिले के विकास की आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? आप वो लड़ाई क्यों नहीं लड़ते जहां आपका मेडिकल कॉलेज यहां से हटा के और दूसरी जगह अन्य जगह भेज दिया जाता? आप वो लड़ाई नहीं लड़ते? आप डेवलपमेंट की लड़ाई नहीं लड़ते? आज आम जन त्रस्त है, आप वो लड़ाई नहीं लड़ते? आपने ये भी बताने का प्रयास नहीं किया कि हम शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ करते हैं तो उसमें हम भ्रष्टाचार करते हैं, ये लड़ाई नहीं लड़ते? यहाँ के विधायक के द्वारा एक केवल मात्र ऐसा घटनाचक्र नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा भी उनके भ्रष्टाचार के सैकड़ों उदाहरण हैं, उसकी आप लड़ाई नहीं लड़ते? आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो कांग्रेस ये नतीजे आए हैं और वो नतीजे स्वीकार भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लोगों ने नकार दिया और निर्दलीय जो जीत के आए वो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं और वो जब वहाँ चेयरमैन बनाया जाएगा ये आपको जानकारी लगेगी। किसका चेयरमैन बनेगा? अब हमारा प्रयास होगा कि जो हमारे कांग्रेस समर्थित लोग जो निर्दलीय लड़े हैं वो सब मिलकर नगर पालिका बनाने का प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ एक एक सीट मिली, आपको नहीं लगता है कांग्रेस की करारी हार हुई? हमने हार को स्वीकार भी किया है, हमने आपसे ये पहले ही बोला है कि हाँ वहाँ हमारे नतीजे कमजोर हैं क्योंकि निर्दलीय लोग वहाँ बड़े हैं। ठीक है, हम इसको सुधार करेंगे और हम उसको स्वीकार करेंगे। लगता है भाजपा के भी कम हुए? बिल्कुल ठीक है, ये मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।